जब से मुख्यमंत्री एलजी साहब के यहाँ बैठे हुए हैं, तब से कई बार अब तक एलजी ऑफिस से और आईएएस अधिकारियों की यूनियन की तरफ से प्रेस रिलीज आ रहे हैं। और उसके अंदर मज़ेदार बात यह है कि एलजी ऑफिस और आईएएस एसोसिएशन की प्रेस रिलीज जो है वो लगभग समांतर है। ऐसा लग रहा है कि खुद अनिल बैजल आईएएस अफसरों की भी प्रेस रिलीज बना रहे हैं और अपने कार्यालय की भी प्रेस रिलीज बना रहे हैं। हालांकि अनिल बैजल पुराने बाबू रहे हैं, मगर प्रेस रिलीज भी अनिल बैजल ही बनाएंगे, इसका हमें विश्वास नहीं। बार बार आईएएस अफसर एक बात को दोहरा रहे हैं कि हम काम पे नहीं आएंगे, मगर हम स्ट्राइक पे नहीं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आईएएस अफसरों की जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आईएएस अधिकारी एक दिन तो बहुत दूर की बात है, एक घंटे के लिए भी हड़ताल पे नहीं जा सकता। और इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रूल नंबर 7 डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स, इसके अंदर भारत सरकार के ऑर्डर्स हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है ना सिर्फ काम पे ना आना, इसके अंदर सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें बताया गया है कि सिर्फ उस चीज को ही हड़ताल पे नहीं कहा जाएगा कि कोई आईएएस अधिकारी दफ्तर ना आ जाए। पेन डाउन स्ट्राइक, सिट डाउन स्ट्राइक, स्टे इन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक, सिंपथेटिक स्ट्राइक, यहाँ तक कि गो स्लो स्ट्राइक, मतलब कि जब अधिकारी ये कह देंगे कि थोड़ा धीरे चलेंगे, थोड़ा धीरे काम करेंगे, उसको भी भारत सरकार के कानून में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कि वो स्ट्राइक की डेफिनेशन में यानी कि हड़ताल की परिभाषा में आता है। कहने का मतलब ये है कि अब तक इन आईएएस अधिकारियों की नौकरी चली जानी चाहिए थी, मगर अभी तक नहीं गई। इसके लिए आईएएस अधिकारियों को बाकायदा शो कॉज नोटिस और मेमो दिए जा चुके हैं, जैसे कि ये शो कॉज नोटिस आईएएस एसोसिएशन की सेक्रेटरी मनीषा सक्सेना जी को दिया गया है, एक और शो कॉज नोटिस मनीषा सक्सेना जी को अपने एक व्हाट्सएप करने पे दिया गया है, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने खुद आने से मना किया बल्कि जूनियर अफसरों को भी भड़काया कि आप भी दिल्ली सरकार के कामों में दिलचस्पी ना लें। इसके अलावा एक और है जो मनीषा सक्सेना जी को मेमो दिया गया, मंत्री जी ने दिया है, मनीष सिसोदिया जी ने दिया है, एक और मेमो है, ये सत्येंद्र जैन ने डीएसआईडीसी के सेक्रेटरी मोहनजीत सिंह को दिया है, जिसके अंदर उन्होंने अनऑथराइज कॉलोनियों में सड़कों के काम को ठप कर दिया था। इस तरीके से दर्जनों मेमो और शो कॉज नोटिस आईएएस अफसरों को दिए जा चुके हैं, यानी कि आईएएस अफसरों को उनके मंत्रियों द्वारा बताया जा चुका है कि आप लोग स्ट्राइक पे हैं। हमारे आईएएस अफसरों की एसोसिएशन से, एलजी साहब से और प्रधानमंत्री कार्यालय से 5 बिल्कुल बेसिक सवाल हैं। बड़ी बड़ी प्रेस रिलीज देने से अच्छा है कि वो इन 5 सवालों का जवाब दे। क्या ये सच नहीं है कि काम को स्लो करना भी स्ट्राइक की परिभाषा में आता है? सवाल नंबर 1, इज इट नॉट ट्रू दैट स्लोइंग डाउन वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्ट्राइक अंडर आईएएस एंड सीसीएस ऑफिसर्स कंडक्ट रूल? सवाल नंबर 2, मीटिंग्स को बायकॉट करना क्या हड़ताल में नहीं आता है? एक बार वहां बोल दो, इज बायकॉटिंग द मीटिंग्स ऑफ द मिनिस्टर नॉट इंक्लूडेड इन द स्ट्राइक? नंबर 3, कोर्ट के आदेश पर भी, हाई कोर्ट के आदेश पर भी अगर अफसर फील्ड इंस्पेक्शन पे नहीं जा रहे हैं तो क्या वो हड़ताल पे नहीं आता? इज इट नॉट ट्रू दैट नॉट गोइंग टू द इंस्पेक्शंस एंड द फील्ड विजिट्स इवन ऑन द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक? और तीसरा और बड़ा अहम सवाल, अफसर जब स्ट्राइक पे जाएंगे या कोई भी मिसकंडक्ट करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की
कार्रवाई करने की जिम्मेदारी क्या एलजी की नहीं है? इज एलजी नॉट द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर्स फॉर मिसकंडक्ट एंड देयर कंडक्ट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ सीसीएस एंड आईएएस? और पांचवा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने एलजी साहब को कई बार ये बताया, लिखित में शिकायत की कि आईएएस अफसर स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल पे हैं। चार महीने में एलजी साहब ने अब तक किसी भी अधिकारी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की? एलजी साहब ये बात बताएं, दिल्ली की जनता को बताएं कि ये काम क्यों नहीं हुआ। अब मैं आतिशी जी से कहूँगा कि वो कुछ उदाहरण रखें कि किस तरीके से आईएएस अफसर ना सिर्फ खुद काम कर रहे हैं बल्कि जूनियर अफसर्स को भी काम करने से रोक रहे हैं।